नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है 15 जून 2022 और यहाँ पे 16 जून 2022 यानी एक्सपायरी डे के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें, आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। और अभी तक आपने आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। और साथ ही अगर लाइव ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करना है जुलाई 2022 वाला, तो जून 2000 मंथ करेंट मंथ में अकाउंट ओपन कराइए फायर सेल एस ब्लू एंजल वन जीरो था किसी एक में, मैं आपको अपने लाइव ट्रेडिंग रूम जुलाई 2022 में ऐड कर लूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए सबसे पहले बढ़ूंगा 16 तारीख का जो सबसे पहला स्टॉक सेलेक्ट किया उसका नाम है बर्जर पेंट। 15 मिनट का ट्रायंगल पैटर्न है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यह है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के पास स्पेस अब इसको कम हो गया, चाहे ऊपर ब्रेक करे चाहे नीचे बहुत तेज ब्रेक होगा, इसलिए खरीदेंगे 578 रुपए के ऊपर। जब ये ब्रेक करेगा तब बाय 578, पहला टारगेट 582 582, दूसरा 586 586, और तीसरा 590 590 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 574 574 का। अगर ये नीचे ब्रेक करता है दोस्तों 572 को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 572 572 नीचे बेचना है, पहला टारगेट 568 568, दूसरा 564 564, और तीसरा 560 560 का स्टॉप लॉस रहेगा 576 576 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है, उसके बाद ही का स्टॉक बाइंग या सेलिंग को एग्जीक्यूट करें तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को अवॉइड कर दें। तो यह पहला स्टॉक बर्जर पेंट। बढ़ूंगा दूसरा स्टॉक की तरफ में दोस्तों, जिसका नाम है आईसीसी प्रू लाइफ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, वापस इसी ट्रेंड लाइन के पास आके होल्ड कर रहा है, और बिल्कुल यहां पर से अगर बॉक्स बनाते तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो इस रेंज के ऊपर या नीचे ही ट्रेड होगा। तो ऐसे से प्रू लाइफ को खरीदेंगे ऊपर की तरफ, अगर ये 527 को ब्रेक करेगा तब बाय 527, पहला टारगेट 531 531, दूसरा 535 535, और तीसरा 539 539 का स्टॉप लॉस 523 523 का लेके चलेंगे। अगर ये नीचे ब्रेक कर देता है दोस्तों 522 को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 522, पहला टारगेट 518 518, दूसरा 514 514, और तीसरा 510 510 का स्टॉप लॉस 526 526 का लगाएंगे। दोस्तों फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50-70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस सेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकंड स्टॉक आईसीआईसी प्रू लाइफ। बढ़ूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक ऑटो सेक्टर का M&M। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के एक ब्रेकआउट किया था, और उस ब्रेकआउट के पास सस्टेन कर रहा है अभी, है ना, ब्रेकआउट लेवल पे ही सस्टेन कर रहा है। यहां जैसे जो ब्रेकआउट किया उसी ब्रेकआउट पे आके वापस खड़ा हो गया। तो M&M अगर ऊपर 1030 को ब्रेक करता है तो बाय करेंगे, बाय 1030, पहला टारगेट 1037 1037, दूसरा टारगेट 1044 1044, और तीसरा 1051 1051 का स्टॉप लॉस 1023 का रहेगा 1023 का। अगर ये नीचे ब्रेक कर देता है दोस्तों 1019 को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 1019, पहला टारगेट हो जाएगा 1012 1012, दूसरा 1005 1005, और तीसरा होगा 998 998 रुपए का स्टॉप लॉस 1026 का लेके चलेंगे 1026 का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें, और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें, और कल है एक्सपायरी डे तो थोड़ा साइडवेज माहौल भी रह सकता है, आपको थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना है। तो अगर ये वीडियो और एनालिसिस 3 स्टॉक पसंद आए तो जरूर फीडबैक करके मुझे बताएं। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।